Morning students. Yesterday we have started new chapter, chapter 5, continuity, and we have discussed the definition of continuity of a function at a point. We have also seen some examples of continuous functions and discontinuous functions. So today let us discuss the continuity of the function in its domain, and we will see some examples also. Now, continuity of a function at a domain. A real function is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f. अगर कोई function अपने domain के हर point पर continuous है, तब हम उस function को continuous function कहेंगे. Suppose f is a function defined on closed interval ab, then for f to be continuous, it needs to be continuous at every point in this closed interval ab, including the end points a and b. If अगर कोई function closed interval ab पर भी defined है, तो इस function को continuous होने के लिए ये जरूरी है कि वो अपने इस क्लोज्ड इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स. ए पे भी एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो, मींस ए पे भी कंटिन्यूअस हो और बी पे भी कंटिन्यूअस हो. अब क्योंकि फंक्शन ए के लेफ्ट में और बी के राइट में डिफाइंड नहीं है, तो ए पे जब हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, तो हमें केवल ए पे राइट हैंड लिमिट को चेक करना होगा कि वेदर राइट हैंड लिमिट एट ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए और नॉट. इसी तरह से जब हम बी पे चेक करेंगे, तो हमें ये चेक करना होगा कि बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बी के इक्वल है या नहीं. तो कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट ए मींस लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए. अगर फंक्शन की ए पर जो वैल्यू है, अगर उस ए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, देन इट इज कंटिन्यूअस एट ए. इसी तरह से अगर बी पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो बी पर फंक्शन की जो वैल्यू है, अगर वो फंक्शन की बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, देन वी से दैट इट इज कंटिन्यूअस एट बी. नाउ इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट, मतलब उसके डोमेन में एक ही पॉइंट है, then it is continuous there. तो उस पर तो वो continuous होगा ही. Now let us see an example whether this function is a continuous function or not. Here nothing is specified for its domain. It means we will take its domain as R. Now we will redefine this function, absolute value function, as it is minus x if x is less than 0. For negative values of x, fx is defined as minus of x. And for positive values of x or 0, the fx is defined as x. Now, let us first check the continuity of the function at 0. क्योंकि function 0 के left में अलग तरह से defined है, right में अलग तरह से, और तो हम अलग अलग points लेंगे. जीरो के लेफ्ट में फंक्शन को चेक करेंगे कंटिन्यूअस है या नहीं, राइट में चेक करेंगे और जीरो पे चेक करेंगे. तो सबसे पहले हम जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो जब हम जीरो पे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की जीरो पे क्या होगी, इट इज लिमिट एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम द लेफ्ट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स द फंक्शन इज डिफाइंड एज माइनस एक्स. सो इट इज fx will be replaced by minus x. Now, when you evaluate this limit, it will be 0. Similarly, on the right of 0, function is defined as x. So, fx will be replaced by x when we will find the right-hand limit of the function at 0. Now, when we evaluate this limit, it will be 0, replacing x by 0. Now, the value of the function at 0, it is also found here, fx is equal to x at 0, so f0 will be 0. Now, from here we see that the value of the function at 0 is equal to
लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट जीरो एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट जीरो, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जीरो. नाउ लेट अस सी ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट. सो लेट अस टेक एनी रियल नंबर विच इज लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव रियल नंबर. देन एफ सी विल बी डिफाइंड एज माइनस सी, क्योंकि यहां से डिफाइन होगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, सो एफ सी विल बी इक्वल टू माइनस सी. एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस सी, और तो सी पॉइंट पर जब हम लिमिट निकालेंगे दैट विल बी लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, एफ एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस किया दैट इज माइनस सी. इसी तरह से तो हमने यहाँ देखा कि फंक्शन की वैल्यू जो सी पे है वही उसकी लिमिट भी आ रही है सी पे, तो इसका मतलब ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यूज के लिए, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस होगा. अब हम पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए चेक करेंगे. लेट सी इज अ रियल नंबर सच दैट सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो एफ सी विल बी इक्वल टू सी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एफ एक्स को हमने एक्स डिफाइन किया था, तो एफ सी विल बी इक्वल टू सी. नाउ लिमिट एक्स अब हम उस पॉइंट सी पर लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन की, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स विल बी एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे आप एक्स से. पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट कैसे फाइंड आउट होगी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स को सी से रिप्लेस कर दिया, में सी पुट करेंगे तो सी आ जाएगा. तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है, सॉरी जो फंक्शन की लिमिट है वो भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है. इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो सभी जीरो पे भी कंटिन्यूअस था, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए भी कंटिन्यूअस है, और पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.